हेलो हेलो एम आई ऑडियोबल एवरी वन एम आई ऑडियोबल ऑडियो आ रही है क्या Hello。 Falou! हेलो हाँ श्रेयां जी ये बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी पर क्लास स्टार्ट किए हैं स्क्रीन पूरा ब्लैक दिखा रहा है वर्चुअल कैमरा का सेटिंग कुछ नहीं वो तो बस वर्चुअल कैमरा मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने स्टार्ट स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया फिर हाँ अच्छा हाँ ओबियस वर्चुअल कैमरा ही मैंने दबा दिया है फिर भी ये ब्लैक ही आ रहा है अच्छा और फिर हाँ बंद करके फिर से मैंने स्टार्ट किया है। और इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ अब आ गया ठीक है थैंक यू चलो भाई एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी लोग चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या चलो भाई सभी लोग लाइव हैं रूपम शिलाना दिनेश अमित वॉइस सारे क्लियर है स्टार्ट करें भाई चलिए अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो पहले अपन उसको डिस्कस करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे कोई भी डाउट हो आप पुट अप कर सकते हैं किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर है तो आप अभी डिस्कस कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक में <laughs> क्या करना है भाई संजय सेन जहां सब ले जाते हैं वहीं जाना पड़ता है चलिए इट मीन्स कोई डाउट नहीं है ठीक है चलिए आगे हेडिंग दीजिए फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है मैं आपसे पूछूंगा टाइम भी दूंगा अगर होता है तो आप उस समय इमीडिएटली बोल देना फ्रेमिंग प्रोटोकॉल से अभी तक बस गेट में दो ही क्वेश्चन आया हुआ है एक 2004 का क्वेश्चन था दूसरा गेट 2014 का क्वेश्चन था और ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया ठीक है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टॉप एंड वेट सबसे पहला प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वेट प्रोटोकॉल ठीक है दूसरा है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ठीक है अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर सबसे पहले हमें स्टडी करना है गो बैक एन गो बैक एन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जी बी एन भी बोलेंगे ठीक है ना और दूसरा जो प्रोटोकॉल जो हमें स्टडी करना है दैट इज सेलेक्टिव रिपीट सेलेक्टिव रिपीट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा लिंक लेयर के अंदर ठीक है ना चैप्टर टू के अंदर और यहां से हर साल एक क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिलेगा तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ठीक है तो ये हमारा सिलेबस है इस टॉपिक के अंदर ये सारे सब टॉपिक हमें डील करने हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल दूसरा है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट बेस्ड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन दैट वी बेसिकली डील विद द टू डिफरेंट प्रोटोकॉल वन इज द गो बैक एंड सेकेंड वन इज द सेलेक्टिव रिपीट क्या डिफरेंस है क्या एडवांटेज है क्या ड्रॉबैक है हर एक बात को डिस्कस करेंगे क्लियर है भाई सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक बार थंब आ जाना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं एक्चुअली में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम रहते हैं तो बराबर आ, मुझे भी उतना हैंडल करना नहीं आ रहा है तो इसीलिए बार बार कॉल करके पूछना पड़ता है तो अगर सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो एक बार हम दे दें ताकि मैं भी देख लू कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं आप प्रियंका अमित तीरथ शीलानाथ जी एंड रिमेनिंग ऑल ऑफ यू दिनेश चलिए 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 सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है फ्लो कंट्रोल देखिए नाम से ही लग रहा है कि कुछ फ्लो कर रहा है और उस फ्लो पे कुछ गड़बड़ी है उसी को क्या करना है कंट्रोल करना है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लाइक सपोज मैं हूं और सामने में दिनेश है और मैं दिनेश को क्या कर रहा हूं एक एक बॉल फेंक रहा हूं एक एक बॉल मैं क्या कर रहा हूं दो सेकंड के गैप में मैं दिनेश को फेंक रहा हूं और दिनेश क्या करेगा उस बॉल को कैच करेगा और कैच कर करके अपने किसी बॉक्स में स्टोर करेगा दिनेश के पास कोई ना कोई बॉक्स होगा ना

अगर मैं दिनेश को बॉल सेंड कर रहा हूं और वो बॉल जो मेरा मेरा जो फेंकने का रेट है वो दो सेकंड के गैप में है तो दिनेश क्या करेगा आराम से एक एक करके बॉल को कैच करेगा और अपने बफर में स्टोर करेगा तो कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में बॉल का फेंकना क्या मानेंगे फ्रेम का फेंकना सेंडर जो है वो फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है किसको रिसीवर को रिसीवर क्या करेगा फ्रेम को एक्वायर कर करके अपने बफर में स्टोर करेगा इज दैट क्लियर फ्रेम बॉल में सिमिलरिटी समझ में आ रही है यस yes no? अब, अब ये जो बॉल जो फेंकने का स्पीड है मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया पहले दो सेकंड का गैप था अब मैंने वन सेकंड का गैप रखा है ऐसे मैंने बॉल उठाया फेंका ऐसे उठाया फेंका तो दिनेश भी क्या करेगा कैच करेगा स्टोर करेगा मतलब अब दिनेश का भी जो कैप्चरिंग पावर है वो बढ़ गया बात समझ में आ रहा है अब अगर मैंने बॉल के फेंकने की स्पीड को और बढ़ा दिया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर दिया तो दिनेश का भी कैच करने का स्पीड अचानक से बढ़ जाएगा मतलब मैंने क्या किया है फ्लो को इंक्रीज कर दिया तो दिनेश भी फटाफट कैच कर, कर के रखेगा इन दैट सिचुएशन इज पॉसिबिलिटी कि दिनेश आउट ऑफ फाइव बॉल्स फोर बॉल को कैच करके स्टोर कर पा रहा है और एक बॉल क्या हो रहा है मिस हो रहा है देन हाउ टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ मिसिंग भाई अगर सेंड ऑफ लाइक ट्रांसमिशन रेट मेरे सेंड सेंड करने का जो स्पीड है अगर दिनेश के कैच करने के स्पीड से बढ़ जाता है तो कुछ तो बॉल मिस हो जाएगा ना सेंडिंग स्पीड अगर मैं बराबर बड़ा बढ़ाता जाऊं और दिनेश का कैच करने का स्पीड अभी भी वही है तो बॉल क्या होगा मिस करना स्टार्ट हो जाएगा अब बॉल का मिस होने का मतलब है बॉल लॉस हो जाना सो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वी नीड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द फ्रेम जो फ्रेम के मूवमेंट्स है उसके फ्लो को क्या करना है मेंटेन करना है और इसी के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं जिसमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन है वेट The first is ठीक है भाई चलिए अब वन बाय वन हर एक प्रोटोकॉल को देखते हैं वो कैसे काम करता है चलिए और हर एक नेमिंग कन्वेंशन के पीछे रीजन है वो रीजन भी देखते चलेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ठीक है प्रोटोकॉल सो पहले आप इस डायग्राम को बनाइए फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है ठीक है इस डायग्राम को बनाइए फिर हम लोग आगे देखते हैं अच्छा ये क्लास क्या लैपटॉप पे एक्सेसिबल है या सिर्फ सेलफोन पे ही चलेगा ये क्लास आप लोग कैसे एक्सेस करते हैं लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करते हैं या सेलफोन के थ्रू लैपटॉप से एक्सेसिबल होगा ना चलिए चलिए सिर्फ मोबाइल फोन से है क्या संजय अच्छा ठीक है चलिए देखते हैं आगे आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं बढ़ते सी सी ये सेंडर है और ये रिसीवर है और सेंडर और रिसीवर के बीच में ये जो मैंने लाइन खींच रखा है दिस इज नथिंग बट द टाइम लाइन इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं टाइम लाइन क्योंकि यहां से हम लोग टाइम के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे ठीक है ना टाइम के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो सपोज सेंडर के पास एक फ्रेम है जो सेंडर क्या करना चाह रहा है सेंड करना चाह रहा है ठीक है तो ये एक फ्रेम है तो फ्रेम का कुछ साइज भी होगा भाई तो ये फ्रेम का साइज क्या है एलबेट है तो इसको भी एक एक जगह करके मेंशन करते चलते हैं ठीक है ना सपोज फ्रेम साइज फ्रेम साइज इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने एजूम किया है एलबिट्स ठीक है फ्रेम का जो साइज है वो कितना है एलबिट्स है और प्रेजेंटली ये फ्रेम देखिए ये हमारा तो मीडियम है सेंडर और रिसीवर के बीच में ये जो है दिस इज नथिंग बट अ मीडियम जो वायर मीडियम है ठीक है ना तो अभी फ्रेम जो है ये टाइमलाइन के पहले है इसका मतलब है टी इक्वल टू जीरो टाइम पे अभी ये फ्रेम कहां पर है तो सेंडर के बफर में स्टोर है तो ये फ्रेम अभी कहां पर स्टोर है तो ये सेंडर के बफर में बात समझ में आ रहा है इस पूरे घटना को मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं आप इमेजिन करो कि टीज कल टू जीरो टाइम पे ये फ्रेम अभी कहां पर स्टोर्ड है तो इस सेंडर के बफर में स्टोर्ड है क्लियर है भाई ठीक है ना अब सेंडर क्या करेगा इस फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा कहां पर इस वायर्ड मीडियम पे तो अब सेंडर इसको क्या करेगा इस फ्रेम को यहां से वायर मीडियम में ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा तो भाई जस्ट इमेजिन ये एक फ्रेम है इस फ्रेम का लेंथ जो है 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 वो एल बिट और ये अभी सेंडर के बफर में जस्ट ट्राई टू इमेजिन इस हाथ के नीचे बफर है और इस हाथ के ऊपर वायर मीडियम है ठीक है ना तो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे ये फ्रेम यहां पर है तो कितने टाइम के बाद ये फ्रेम ट्रांसमिट होकर कर करके -कर -कर वायर मीडियम में आ जाएगा ट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सिंगल फ्रेम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इन हाउ मच टाइम द फ्रेम विल ड्रॉप इन टू द चैनल तो इसको आप मीडियम भी बोल सकते हैं और यू कैन रेकमेंड दिस एज अ चैनल और यू कैन रेकमेंड दिस एज अ लिंक अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं एक ही चीजों के लिए तो आप सेंडर और रिसीवर के बीच का ये जो मीडियम है इसको आप चैनल भी बोल सकते हैं इसको आप लिंक भी बोल सकते हैं क्लियर है बात ठीक है ना तो मैं यहां पर क्या डिफाइन करने का कोशिश कर रहा हूं कि एक फ्रेम है जिसका साइज एल बिट है और प्रेजेंटली ये बफर में है तो कितने टाइम के बाद ये फ्रेम यहां से ट्रांसमिट होकर -कर करके मीडियम पे आ जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सिंगल फ्रेम बात समझ में आ रहा है ठीक है तो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे ये फ्रेम अभी सेंडर के बफर में था तो कितने टाइम के बाद ये फ्रेम यहां से निकल कर कर कर, कर के इस मीडियम पे ड्रॉप हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द टीएफ तो चलिए टीएफ को डिफाइन करते हैं टीएफ को कैसे डिफाइन करेंगे ठीक है ना तो ट्रांसमिशन टाइम ट्रांसमिशन ज इक्वल टू टी एफ देखिए जो नोटेशन है उसका भी एक सिग्निफिकेंस है टी से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं टाइम एफ का मतलब क्या हो गया सिंगल फ्रेम एफ यहां पर इंडिकेट कर रहा है फ्रेम को तो यहां पर मैंने ये जो एफ लिख रखा है दिस इज बेसिकली रेकमेंडिंग अ फ्रेम तो टी एफ का फुल फॉर्म क्या बोलोगे आप ट्रांसमिशन टाइम ऑफ वन फ्रेम क्या बोलोगे वन फ्रेम ठीक है ना तो ट्रांसमिशन टाइम को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे ट्रांसमिशन टाइम को मेरे दोस्त अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बहुत ही सिंपल है ना डिफाइन करना हो तो टाइम टेकन बाय बाई नोड टू ट्रांसमिट ट्रांसमिट सिंगल फ्रेम इनटू इनटू चैनल इनटू चैनल चैनल भी बोल सकते हैं मीडियम भी बोल सकते हैं लिंक भी बोल सकते हैं क्लियर है तो बहुत ही बेसिक सा छोटा सा डेफिनेशन होगा ओके okay, दिनेश ठीक है यहां तक बात क्लियर है तो मेरे दोस्त इस फ्रेम का साइज एलबिट का था और ये ट्रांसमिट होगा तो इस नोड का कोई ना कोई ट्रांसमिशन रेट होगा यस yes no? भाई कोई ना कोई ट्रांसमिटर रेट तो जरूर होगा ना सपोज इस नोट का ट्रांसमिशन रेट है रेट है 1000 100 बिट्स पर सेकेंड ठीक है ना ट्रांसमिशन रेट कितना है 100 बिट्स पर सेकंड इसका मतलब क्या समझेंगे कि एक सेकेंड में ये जो नोड है कितने बिट को ट्रांसमिट कर रहा है मीडियम पे तो हंड्रेड बिट्स को दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन रेट बात समझ में आ रहा है तो हर एक नोड का अपना एक ट्रांसमिशन रेट होता है तो यहां पर चलिए सपोज सपोज ट्रांसमिशन 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 रेट रेट ऑफ अ given नोड given नोड ये given है आर बी पी एस तो देखिए अगर कभी भी मैंने लिख रखा है बीपीएस तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बिट्स पर सेकेंड और कभी भी ठीक है ना ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कैपिटल बीपीएस दिया हुआ है तो इसका मीनिंग हम लोग क्या समझेंगे बाइट पर सेकेंड ठीक है ना तो स्मॉल बीपीएस का मतलब हो जाएगा बिट पर सेकेंड और कैपिटल बीपीएस का मतलब हो जाएगा बाइट पर सेकेंड तो जस्ट आप इमेजिन करो जस्ट आप इमेजिन करो लाइक लेट्स टेक अ एग्जांपल ठीक है ना लेट्स टेक अ एग्जांपल ठीक है ना एग्जांपल के लिए देखते हैं सपोज फ्रेम का साइज है 200 हंड्रेड बेट्स ट्रांसमिशन रेट है 50 बीपीएस 50 बीपीएस का मतलब क्या हो गया 50 बिट्स पर सेकेंड तो इस एक सिंगल फ्रेम को कंप्लीटली ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा भाई फ्रेम का साइज है 200 टू बिट्स ट्रांसमिशन रेट क्या है किसी भी नोड का वो है फिफ्टी बिट्स पर सेकेंड तो इस फ्रेम को कंप्लीटली बफर से निकाल करके मीडियम पे ड्रॉप करने में कितना टाइम लगेगा यह आप इजीली सोच सकते हो सिंपल सा मैथमेटिक्स है दैट इज नथिंग बट द ठीक है ना भाई एक सेकंड में पचास बिट ट्रांसमिट हो रहा है तो चार सेकेंड में कितना बिट ट्रांसमिट होगा दो सौ बिट्स मतलब कि चार सेकेंड में ये फ्रेम पूरा का पूरा मीडियम पे ड्रॉप हो जाएगा में आ रहा है और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे तो दैट इज नथिंग बट नी एफ टी एफ कैसे कैलकुलेट करोगे एल so कौन सा मैथमेटिक्स है भाई आपने पढ़ा होगा नाइन टेंथ में इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है ना उसी को तो हम लोग यूज कर रहे हैं तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वैलिसिटी तो ये हो गया फिफ्टी ये किस फॉर्म में गिवन है तो बिट्स पर सेकेंड के फॉर्म में है तो ये बिट्स बिट्स कैंसिल आउट होगा और इससे यह आ जाएगा फोर और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 क्लियर है भाई तो यहां से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया ट्रांसमिशन टाइम तो इस सिंगल फ्रेम को मीडियम पे ड्रॉप करने पे या चैनल पे ड्रॉप करने के लिए टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड है फोर सेकेंड और वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द सिंपल बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला यहां तक बात समझ में आ रहा है ठीक है ना तो यहां पर मेरे दोस्त जो ट्रांसमिशन टाइम होगा इसका सिंपल सिंपली आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे तो एल अपॉन आर ठीक है एल अपॉन आर सो दिस वन विल बिकम सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सिंगल फ्रेम एक फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम हम लोग सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम पे वापस आते हैं तो देखिए t जीरो टाइम पे ये फ्रेम बफर में था कितने टाइम के बाद ये मीडियम पे आ गया तो t ठीक है ना t tf टाइम पे ये फ्रेम कहां पर आ गया मीडियम में आ गया तो इस फ्रेम के अंदर बहुत सारे बिट्स हैं यस और नो भाई इस फ्रेम के अंदर थाउजेंड ऑफ बिट्स पॉसिबल है ना तो बहुत सारे बिट्स है इस फ्रेम के अंदर लेकिन उन सारे बिट्स में से सबसे लास्ट वाला बिट कौन होगा तो दिस इज द लास्ट बिट यस और नो दिस इज द लास्ट बिट जो इस मीडियम के सबसे एज वाले पॉइंट पे होगा इस मीडियम के सबसे एज वाले पॉइंट पे होगा अब मेरे दोस्त थोड़ा सोचने की कोशिश करो इस सिंगल बिट को इस सिंगल बिट को यहां से इस पॉइंट तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है तो लेट्स सी इस सिंगल बिट को यहां से एंड पॉइंट तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है तो अगर ये लास्ट वाला बिट इस पॉइंट से यहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा मेरे दोस्त ये फ्रेम कुछ इस तरह से दिखेगा लास्ट yes no? वाला बिट यहां से यहां तक पहुंच चुका है इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम है ये कंप्लीटली रिसीव हो चुका है किस से रिसीवर से इफ द लास्ट बिट रिच ओवर हियर इट मीन देखिए ये टाइमलाइन के पहले मीडियम है टाइमलाइन के बाद बफर है टाइमलाइन के पहले कौन है मीडियम है और टाइमलाइन के बाद कौन है बफर है मीन मीन्स द लास्ट बिट हियर इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम है इट इज कंप्लीटली रिसीव बाय द रिसीवर और ये जो टाइम है दिस इज नथिंग बट द प्रोपागेशन डीले इसको हम लोग क्या बोलते हैं टी पी, पी तो टी का मतलब हो गया टाइम पी का मतलब हो गया प्रोपागेशन तो मीडियम पे इस सिंगल बिट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपागेट होने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड द प्रोपागेशन डीले तो प्रोपागेशन डीले को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपको प्रोपागेशन डिले को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे बहुत सिंपल है एक सिंगल बिट को एक पॉइंट से किसी भी लिंक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज नथिंग बट द डिले भाई सिंगल बिट को एक पॉइंट से लिंक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज नथिंग बट द प्रोपागेशन डिले तो कितने टाइम के बाद ये फ्रेम यहां पर आ जाएगा तो ये फ्रेम यहां पर आ गया है T टू टी एफ और अब ये नया टाइम जुड़ गया है टीपी क्लियर है भाई एवरी वन क्लियर है तो चलिए प्रोपागेशन डीले को डिफाइन करते हैं प्रोपागेशन डीले को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं तो सी सी प्रोपागेशन डीले डिले को कभी कभी हम लोग टाइम भी बोलते हैं बात एक ही है ठीक है ना डिले या टाइम ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा टी -पी। तो इसका नाम मैंने टीपी क्यों रखा क्योंकि पर पी इंडिकेट कर रहा है प्रोपागेशन को ठीक है ना पी इंडिकेट कर रहा है प्रोपागेशन को तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे मेरे दोस्त इन बाई single bit single bit to travel to travel from from and point of sender to एंड पॉइंट ऑफ रिसीवर या इतना लंबा चौड़ा लिखने से ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से लिख दो ठीक है ना और द टाइम टेकन बाय अ सिंगल बिट टू ट्रैवल 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 इन गिवन लिंक कंप्लीटली कंप्लीटली ठीक है समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इस प्रोपेशन डिले को कैलकुलेट कैसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है इस डायग्राम को मैं फिर से यही बना देता हूं समझ रहा? ये दो नोड है ये सेंडर है ये रिसीवर है तो एक सिंगल बिट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज द टीपी तो अगर सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस पता हो सपोज ये डिस्टेंस कितना है डी किलोमीटर और मीडियम में जो बिट ट्रेवल करता, करता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है मीडियम पे जब बिट ट्रेवल करता है तो वो सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है तो उस सिग्नल का अगर स्पीड पता हो दोनों के बीच का डिस्टेंस पता हो और जो सिग्नल मीडियम पे ट्रेवल कर रहा है, उसका स्पीड पता हो तो हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ना तो सपोज स्पीड ऑफ सिग्नल सी वेन एवर वी आर यूजिंग अ टर्म सिग्नल इट मींस इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्नल विच इज ट्रेवलिंग इन टू द मीडियम ठीक है ना स्पीड ऑफ सिग्नल ये सपोज दिया हुआ है आपको एस मीटर पर सेकेंड ठीक है एक्स एस मीटर पर सेकेंड तो मेरे दोस्त अगर स्पीड ऑफ सिग्नल पता है और डिस्टेंस पता है तो टीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो टीपी इज नथिंग बट डी डिवाइडेड बाई ऐसे ही करोगे ना डी डिवाइडेड बाई यहां तक कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े बोलो भाई कोई दिक्कत परेशानी हो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉइस आ रही है सभी को एक बार यहां तक कंफर्म कर दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपकी एक्चुअली में रिप्लाई नहीं आ रहा है आई डोंट नो वाई आपकी रिप्लाई काफी डीले से आया ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इतने डीले होकर रिप्लाई आ रहा है चलिए चलिए देखते हैं आगे ठीक है ना यहां तक पॉइंट क्लियर है अब हम लोग मेन डायग्राम पे आते हैं अब हम लोग मेन डायग्राम पे आते हैं तो देखिए सेंडर जो है वो रिसीवर को एक फ्रेम सेंड कर रहा है तो एक सिंगल फ्रेम को सेंडर के बफर से निकल कर करके रिसीवर के बफर तक रिसीव होने तक टोटल टाइम कितना लग रहा है तो टीएफ प्लस टीपी तो सी सी वेनेवर आई एम सेंडिंग एनी पार्सल अगर मैं आपको कोई भी एक पार्सल सेंड कर रहा हूं तो वो पार्सल आपको डिलीवर हुआ या नहीं हुआ इसका कंफर्मेशन तो मुझे चाहिए ना तो पहले के जमाने में ये होता था कि कंफर्मेशन के लिए एक रिप्लाई टेलीग्राम मैसेज आता था छोटे से कार्ड पे जैसे हमको अभी भी याद है मुझे दो पे जब मैंने आई आई टी जेई का फॉर्म भरा था दो नहीं दो हजार पांच में पांच या छो यही होगा तो जब मैंने आई आई टी जेई का फॉर्म भरा था तो हम लोग उस समय क्या करते थे हार्ड कॉपी सेंड करते थे तो बहुत सारे हार्ड कॉपी का फाइल बना करके हम लोग आई को सेंड करते थे और वहां से एक छोटे से कार्ड पे आता था ताकि हमें ये पता चल सके कि मैंने जो भेजा है वो सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने अपना फाइल भेज दिया और मैं भूल गया कि वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ सपोज अगर इंटरमीडिएट नेटवर्क पे वो लॉस हो गया या डैमेज हो गया तो उस सिचुएशन में मेरा तो ये एक्सेप्ट होगा नहीं इट इटमीन्स मुझे एडमिट कार्ड कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा एक्चुअल में तो डॉक्यूमेंट कभी पहुंचा ही नहीं बात समझ में आ रहा है तो जब कभी भी हम लोग कोई भी चीज सेंड करते हैं तो इमिडिएटली वी एक्सपेक्ट फॉर द एक्नोलेजमेंट कि वो पहुंचा डिलीवर हुआ या नहीं हुआ इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है एक्नोलॉजमेंट चाहिए होता है आप आजकल देखते होंगे अगर आप एमेजॉन फ्लिपकार्ट या कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी जब तक आप नहीं बताओगे तब तक वो आपको डिलीवर नहीं करेगा क्योंकि वंस यू विल विल पुट द द ऑटो ठीक है ना ऑटोमेटिकली वन मैसेज टू सेंडर सेंडर और sender को ये पता चल जाएगा कि हाँ, जो प्रोडक्ट मैंने सेंड किया है वो डिलीवर हो गया है और बहुत सारे बहुत सारे लाइक like वेंडर जो है अलग टेक्निक यूज करते हैं जब आपके पास पार्सल आता है तो आपसे डिजिटल सिग्नेचर मांगते हैं उनके पास एक सेल फोन होता है उसमें आपसे डिजिटल सिग्नेचर मांगते हैं

वेदर द फ्रेम है तो सिर्फ फ्रेम को डिलीवर करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है उसके डिलीवरी का कंफर्मेशन लेना भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि जब तक ये सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है सेंडर को यह पता नहीं चल जाता तब तक सेंडर दूसरा फ्रेम नहीं सेंड कर सकता ना लेट सी why the name was given as stop and wait ठीक है ना stop and wait ये नाम हम लोग क्यों देते हैं why the name was given as stop and wait protocol stop and wait क्यों बोला गया क्योंकि send a frame इसमें होता क्या है कि सेंडर जो है वो एक फ्रेम को सेंड करेगा उसके बाद रुक जाएगा वेट करेगा किसके लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए एंड दैट्स व्हाई द नेम वाज गिवन एज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल सेंड अ फ्रेम स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नोलजमेंट एंड वॉन्स द एक्नोलमेंट विल रिसीव सेंड द नेक्स्ट फ्रेम बात समझ में आ रहा है तो स्टॉप एंड वेट नेमिंग कन्वेंशन के पीछे रीजन क्या है तो यह है सेंड अस्टॉप एंड एंड ट फॉर एक्नॉलेजमेंट वेट फॉर एक्नोलेजमेंट क्लियर है बाबा सही है यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं सेंडर क्या कर रहा है फ्रेम सेंड कर रहा है उसके बाद वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट के लिए एंड वंस एक्नोलेजमेंट बिल रिसीव द सेंटर विल ट्रांसमिट द नेक्स्ट फ्रेम जिसको आप चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हो ठीक है ना वंस अब हम लोग बार बार एक्नॉलेजमेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में ठीक है ना ए ठीक है ना वंस एक्नॉलेजमेंट इज सेंड नेक्स्ट फ्रेंड क्या करना है भाई नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करना है तब तक सेंडर नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं कर सकता है क्लियर है भाई आगे बढ़े चलिए चलिए तो यहां तक तो क्या हुआ कि ये फ्रेम डिलीवर हो गया और डिलीवर होने के बाद सेंडर क्या रिसीवर क्या करेगा एक्नोलेजमेंट फ्रेम को क्रिएट करेगा तो सी सी द सेंडर हैज क्रिएटेड एक्नोलेजमेंट फ्रेम तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ टाइम का गैप लिया है क्या किया है भाई तो थोड़ा सा टाइम का मैंने गैप लिया है क्यों लिया है भाई अगर मेरे पास कोई पार्सल आ रहा है तो ये कोई जरूरी तो नहीं है कि ये पार्सल बस एक ही जगह से आएगा यस और नो

अबाउट विच फ्रेम है को, तो रिसीवर क्या करता है प्रोसेस करता है फ्रेम को प्रोसेस करना वॉट डज इट मीन फ्रेम को रीड करना और इस फ्रेम को रीड करने के बाद ही वो क्रिएट करेगा क्या इक्नोलेजमेंट फ्रेम सो फ्रेम को रीड कर कर करके और इसके करस्पॉन्डिंग एक्नोलॉजमेंट फ्रेम को क्रिएट करना इस पूरे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो टाइम स्पेंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम ठीक है ना तो यहां पर यहां पर इस फ्रेम को रीड कर करके और एक्नोलॉजमेंट फ्रेम को क्रिएट करना दिस इज कॉल्ड टी ऑफ प्रोसेसिंग ठीक है ना तो प्रोसेसिंग टाइम इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम इसके बीच में जो टाइम स्पेंड हो रहा है दैट इज नथिंग बट द

प्रोसेसिंग टाइम टी ऑफ प्रोसेसिंग ठीक है ना तो यहां पर ये जो है ये यहां से आया है ठीक है तो प्रोसेसिंग टाइम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भाई ठीक है ना टाइम टेकन बाय रिसीवर टू प्रोसेस और इन शॉर्ट प्रोसेस करने का बेसिकली मीनिंग होता है रीड ठीक है ना टू प्रोसेस रिसीव्ड फ्रेम एंड क्रिएट एक्नॉलेजमेंट ठीक है तो जो रिसीव फ्रेम है

इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हुआ दिस इज जस्ट अ अन्फर्मेशन फ्रेम नॉट कम्युनिकेटिंग फ्रेम नॉट कम्युनिकेटिंग ठीक है नॉट कम्युनिकेटिंग फ्रेम ये बात क्लियर है भाई अब पहला बात तो नॉर्जम जो फ्रेम है वो कंफर्मेशन फ्रेम है ना कि कम्युनिकेटिंग फ्रेम है और कंफर्मेशन चूंकि ये कंफर्मेशन फ्रेम फ्रेम है तो इस फ्रेम का साइज छोटा होना चाहिए भाई जस्ट इमेजिन सिचुएशन सपोज कोलकाता से एक ट्रेन निकल रही है कहां के लिए दिल्ली के लिए तो उस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर है लगभग दो हजार पैसेंजर है उस ट्रेन के अंदर तो ये दो हजार ये जो ट्रेन है जैसे ही दिल्ली पहुंचेगी तो दिल्ली के जो कंट्रोलर है जो स्टेशन मास्टर है ये ट्रेन सक्सेसफुली रिसीव हो गया है इसको कंफर्म करने के लिए कोलकाता के जो स्टेशन मास्टर है उसको क्या फिर से वो पूरा एक ट्रेन भेजेगा नहीं एक इंसान जाए और इस बात को बता दे काफी है क्योंकि अब ये ट्रेन रिसीव हो गया है इसका कंफर्मेशन मुझे देना है किसको जो कोलकाता के कंट्रोलर है जो स्टेशन मास्टर है बासन में आ रहा है, तो कोलकाता के स्टेशन मास्टर को यह कंफर्म करने के लिए कि ये ट्रेन रिसीव हो चुका है आपको पूरा का पूरा फुल लोडेड ट्रेन भेजने की जरूरत नहीं है एक आदमी बस जाएगा और यह बात बता देगा तो भी बराबर तो सोचो आते समय जो डेटा था वो लगभग 2000 था और इसको कंफर्म करने का जो डेटा है उसके रिलेटिवली है मीन वी आर एनालाइजिंग वट वी आरलाइजिंग इन कंपेरिजन टू द इन कंपेरिजन टू दम्युनिकेटिंग होगा इन कंपेरिजन टू द कम्युनिकेटिंग फ्रेम कम्युनिकेटिंग फ्रेम कौन सा है जो सेंडर सेंड -send कर रहा है, है ना तो ये सेकेंड पॉइंट पे हम लोग नोट डाउन करेंगे इसी में तो यह हमारा पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट ठीक है ना Size of acknowledgement frame is very small in compared to in compared to uh, communicating communicating ठीक है क्लियर है भाई सभी लोग चलिए भाई चलिए चलिए तो ये तो हमारा फ्रेम रिसीव हुआ रिसीव होने के बाद इस फ्रेम पे हम लोगों ने प्रोसेस किया और करस्पॉन्डिंग जनरेट किया तो ये है तो एक एक फ्रेम ही ना ये यहनोलेजमेंट फ्रेम है लेकिन ये है तो फ्रेम ही ना तो इस फ्रेम का अपना एक साइज होगा तो सपोज इसके साइज को हम लोग इंडिकेट कर रहेसी के से। एल का मतलब हो गया, मतलब गया एक्नोलेजमेंट तो ये क्या पूरा इंडिकेट कर रहा है साइज ऑफ एक्नोलेजमेंट फ्रेम और लेंथ ऑफ एक्नोलेजमेंट फ्रेम भाषण में आ रहा है फंडा क्लियर है एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एसी के जो है वो एक्नोलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको पूरा कैसे रीड करेंगे लेंथ ऑफ फ्रेम अब ये पूरा का पूरा जीरो तो है नहीं कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना दस बारह पचास साठ सत्तर सौ जो भी है लेंथ तो कुछ ना कुछ शॉर्ट एंड लेंथ होगा ही होगा ठीक है तो ये हमारा एक्नोलेजमेंट फ्रेम है अब यहां पर मैंने एजम्पन क्या लिया है एजम्शन लिया है कि सेंडर का ट्रांसमिशन रेट सपोज है और रिसीवर का भी रेट कितना है? R -BPS. मतलब सेंडर और रिसीवर का जो ट्रांसमिशन रेट है वो सेम है ये डिफरेंट भी हो सकता है सपोज इसका आर वन है इसका आर टू है वो भी सिचुएशन पॉसिबल है

तो इसको रिसीवर के बफर से निकल कर करके मीडियम पे ड्रॉप होने में जो टाइम लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई रिसीवर के बफर से निकल कर करके मीडियम के मीडियम पे ड्रॉप होने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे ट्रांसमिशन टाइम ऑफ इक्नोलेजमेंट फ्रेम तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज टाइम ऑफ इक्नोलेजमेंट फ्रेम तो टी ऑफ के तो मेरे दोस्त टी ऑफ के को आप कैसे डिफाइन करोगे टी ऑफ एसी के इसका मतलब क्या हो गया ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रेम तो एक्नोलमेंट फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो भाई एक्नॉलेजमेंट फ्रेम का साइज दैट इज एल ऑफ एसी के डिवाइडेड बाई किस रेट से ट्रांसमिट हो रहा है तो आर बिट पर सेकेंड तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पे क्लियर है भाई क्लियर है चलिए हो गया चलिए ठीक है तो आफ्टर टी ऑफ एसी के टाइम दिस फ्रेम विल बी ड्रॉप इनटू द चैनल और जैसे ये फ्रेम फॉर्म तो धारण कर चुका है, now, है ना मीडियम का स्पीड होगा जस्ट कंसिडर द लास्ट बिट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्नोलॉजमेंट फ्रेम ये है. तो इस को यहां, से, यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है अगेन दिस इज नथिंग बट टीपी ठीक है ना तो आफ्टर टीपी टाइम ये जो एक एक्नोलॉज फ्रेम है वो यहां पर आ जाएगा भाई ये लास्ट बीट है इस लास्ट बीट को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा मतलब दिस इज द लास्ट बिट तो लास्ट बिट यहां पर आ चुका है व्हाट डज इट मीन द फ्रेम इज बाय द सेंडर सो टोटल टाइम कितना लगा एक फ्रेम के सक्सेसफुल डिलीवरी में दैट वी नीड टू कैलकुलेट ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है एक सिंगल फ्रेम को सक्सेसफुली डिलीवर होने में सेंडर के रिलेटिवली टोटल कितना टाइम लग रहा है तो दिस टाइम दैट इज नथिंग बट टीएफ प्लस टीपी ऑफ प्रोपगेशन अगेन टी ऑफ एसी के एंड अगेन टीपी आ रहा है टोटल कितना टाइम लग रहा है तो इसका ट्रांसमिशन इसका यहां पहुंचना टीपी और उसके बाद टी ऑफ प्रोसेसिंग टी ऑफ एसी के एंड अगेन टीपी यह हमारा टोटल टाइम लग रहा है एंड दिस इज द टाइम लाइन मीन यहां से लेकर करके यहां तक का जो टाइम है दिस इज द टोटल टाइम टी ठीक है तो टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम नीडेड फॉर सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ सिंगल फ्रेम सिंगल

जैसे एक नॉर्मल फ्रेम ट्रांसमिट होगा वो फिर से सेंडर तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है और दूसरी बार यहां पर है तो टोटल टाइम आप क्या लिखोगे सो द टोटल टाइम विल बिकम सपोज दिस इज टोटल टाइम टी तो टोटल टाइम टी विल बिकम टी एफ प्लस टू पी प्लस टी ऑफ प्रोसेसिंग प्लस टी ऑफ यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं कोई भी डाउट हो टिल ना हो जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए अब देखिए यहां पर दो पैरामीटर है जो हमें कैलकुलेट करना होता है इन केस ऑफ फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल वी नीड टू कैलकुलेट टू थिंग्स फर्स्ट इज़ द चैनल और यू कैन से द लिंक यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट ऑफ चैनल ठीक है ना तो यहां पर हमें दो पैरामीटर कैलकुलेट करने होते हैं सबसे पहला सबसे पहला लिंक या आप इसी को क्या बोल सकते हो चैनल यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा इस तरह से ईटा से ठीक है ना न्यूक यूटिलाइजेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से दूसरा जो हमें कैलकुलेट करना होता है दैट इज द दूपुट ठीक है ना जिसको हम लोग अलग नाम भी देते हैं इफेक्टिव डेटा रेट डेटा रेट और और समटाइम भी से ठीक है ना इस इस डेटा रेट को आप दूसरा नाम दे सकते हैं बैंडविड्थ बैंडविड्थ ठीक है तो डेटा रेट डेटा रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्त डेटा रेट मतलब कि रेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा और बिट्स ठीक है ना तो डेटा रेट और यू कैन से बिट रेट बिट रेट इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R BPS में बिट yes रेट no? को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी हैव वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आर बीपीएस ठीक है तो इसको हम लोग बिट रेट भी बोलते हैं एंड समाइम वी से बैंडविड्थ बैंडविड्थ ठीक है

तो यहां पर अगर मैंने लिखा है या इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं इफेक्टिव डेटा रेट ठीक है ना तो डेटा रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आर तो का मतलब हो गया डेटा रेट और इफेक्टिव का ई e उठा लो तो ये हो गया हमारा ई तो दिस इज द नोटेशन ठीक है ना दिस इज द नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहां पर हमने क्या किया है इफेक्टिव का मैंने ई e उठाया डेटा रेट आर से रिप्रेजेंट हो रहा है और इफेक्टिव का मैंने ई e उठा लिया तो ये हो गया इफेक्टिव डेटा रेट तो बेसिकली इन एंटायर फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल वी नीड टू कैलकुलेट टू डिफरेंट थिंग वन इज द यूटिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज द थ्रूपुट मोस्टली हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट यूज करेंगे क्लियर है भाई जोगेश वो टाइम तो मैंने ले लिया है ना भाई ये जो टाइम है ये क्या है यहां से यहां तक इतने टाइम में तो रिसीवर तक आप पहुंच गए अब रिसीवर सबसे पहले प्रोसेस किया फिर एक फ्रेम को ट्रांसमिट किया और फिर इस इक्नॉर्जमेंट फ्रेम को पहुंचने में टीपी टाइम लगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं रिसीवर तक पहुंचने में ये टोटल टाइम है रिसीवर पे फ्रेम जैसे ही पहुंचता है रिसीवर क्या कर रहा है सबसे पहले इस फ्रेम को प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करने के बाद इकोनॉमिक फ्रेम क्रिएट कर रहा है अब फ्रेम को आप ट्रांसमिट कर रहे हो जैसे इकोनोन फ्रेम मीडियम पे आएगा उसको रिसीवर से सेंडर तक रीच करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज द टीपी तो ये जो टाइम है दिस इज नथिंग बट द रिसीविंग एंड से सेंडर send, के एंड पे आने का जो तो, टोटल समय है वो लग रहा है ठीक है ना और इसी को मैंने इन दोनों को मैंने सम कर दिया टीपी टीपी टू टू टीपी और ये टी एफ एंड टी ऑफ प्रोपगेशन टी ऑफ एसी के जोगेश क्लियर है भाई चलिए अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन तो यूटिलाइजेशन का मतलब समझिए देखिए कोई नया टर्म नहीं है इसको आप अपने रियल लाइफ से कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा रिलेट एनी टर्म ओकेट वाई दिस थिंग्स आर है फॉर्मूला हम लोग क्यों लिख रहे हैं भाई यूटिलाइजेशन सपोज यूटिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे सपोज मैंने जोगेश को दस घंटे का समय दिया और मैंने जोगेश को बोला कि जोगेश तेरे पास दस घंटे का समय है और तू एक काम कर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ आज अब जोगेश ने दस घंटे को कैसे यूटिलाइज किया उसने चार घंटा कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा दो घंटा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दो घंटा मूवी देखा और दो घंटा अपने दोस्तों के साथ घुमा तो जोगेश का यूटिलाइजेशन क्या होगा सभी लोग बताओ मैंने जोगेश को दस घंटे का समय अलॉट किया था दो कंप्यूटर नेटवर्क को स्टडी करने के लिए जोगेश ने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया चार घंटा कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा दो घंटा ऑपरेटिंग सिस्टम दो घंटा मूवी देखा और दो घंटा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया सो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ जोगेश आउट ऑफ टेन आवर्स बता सकते हो भाई एवरीवन जो भी आपको लग रहा है तो भाई मेरे यूटिलाइजेशन क्या होगा तो फोर अपॉन टेन परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो फोर्टी परसेंट भाई मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने के लिए दस घंटा अलॉट किया था अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे डिस्किट पढ़ोगे इससे मुझे क्या लेना देना मुझे नहीं आता है वट इज योर यूटिलाइजेशन इन द रेफरेंस ऑफ मी आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दैट जैसे ये कोई नया टर्म नहीं है यूटिलाइजेशन थ्रू पुट ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग यूटिलाइजेशन की बात करते हैं बट किसके रेफरेंस में प्रोसेस एंड सीपीयू के रेफरेंस में में आ रहा है भाई सीपीयू जो है वो मेरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए करने के लिए कितना टाइम वो यूटिलाइज कर रहा है दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू तो यहां पर बस रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं ठीक है ना वहां यहां पर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूटिलाइजेशन टर्म है वो किसके रेफरेंस में डिफाइन हो रहा है सीपीयू के रेफरेंस में यहां पर यूटिलाइजेशन है वो किसके त, 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 रेफरेंस में डिफाइन होगा चैनल के रेफरेंस में आर यू पॉइंट नॉट तो यहां पर मेरे दोस्त जो हम लोग यूटिलाइजेशन डिफाइन करने जा रहे हैं वो किसके रेफरेंस में तो मैंने लिख ही रखा है चैनल और समटाइम वी से द लिंक यूटिलाइजेशन लिंक यूटिलाइजेशन जिसको हम लोग कैसे इंडिकेट कर रहे हैं

चैनल और द लिंक यूटिलाइजेशन तो मेरे दोस्त अब इसको ध्यान से समझ रहा हूं अगर हम लोग लिंक यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के बीच में लिंक कौन है यही लिंक है ना यही लिंक है और इस लिंक पे कौन ट्रैवल कर रहा है प्रेम ट्रैवल कर रहा है प्रेम मींस डेटा तो सपोज ये जो लिंक है ये टोटल हंड्रेड मीटर का है समझना हंड्रेड मीटर का है और इस फ्रेम का साइज है ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी मीटर यू कैन जस्ट काउंट द लेंथ इन द फॉर्म ऑफ मीटर तो मेरे दोस्त इस पूरे लिंक में से कितना भाग लिंक जो है वो यूटिलाइज हो रहा है और यू कैन जस्ट स्किप दिस यू कैन जस्ट टेक द रियल लाइफ एग्जांपल ठीक है ना सपोज हम लोग एक रोडवेज कंसीडर कर रहे हैं सपोज ये एक रोडवेज है ये एक रोडवेज है ठीक है ना दिस इज नथिंग बट रोडवेज ठीक है तो ये हमारा रोडवेज है अब इस रोडवेज से क्या ट्रैवल कर रहा है तो बस ट्रैवल कर रहा है बस के अंदर कौन है पैसेंजर है तो कंप्यूटर नेटवर्क के भाषा में ये जो बस है दिस इज नथिंग बट अ फ्रेम अब बस के अंदर जो पैसेंजर है कंप्यूटर नेटवर्क के भाषा में दोज बिट्स ठीक है तो इस रोडवेज का टोटल साइज कितना है भाई तो ये टोटल साइज है सपोज 100 मीटर ठीक है ना अब इस रोडवेज का कितना हिस्सा बस ने अपपाई कर रखा है तो सपोज इसका साइज है 20 मीटर ठीक है ना तो अगर आपसे कोई पूछे इस रोडवेज का यूटिलाइजेशन बताइए क्या बताओगे रोडवेज यूटिलाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे आप क्या बताओगे आउट ऑफ हंड्रेड मीटर रोडवेज साइज कितना स्पेस इस रोडवेज का ऑक्यूपाइड है एक पर्टिकुलर बस के लिए क्या बोलोगे आप इस रोडवेज का अगर आपको कोई यूटिलाइजेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड दैट इज ट्वेंटी परसेंट यही बोलोगे ना अगर ये बस इस रोडवेज पे ट्रेवल करेगा तो यूटिलाइजेशन कभी भी चेंज होगा क्या अगर ये रोडवेज पे ये जो बस है ये अगर सपोज कर रहा है बस तो स्टैटिक नहीं रह सकता ना ये तो ट्रैवल करेगा तो अगर ये बस ट्रेवल करेगा तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूटिलाइजेशन स्टिल कितना रहेगा ट्वेंटी परसेंट ही रहेगा भाई बस का साइज बढ़ थोड़ी ना जाएगा में आ रहा है तो किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे सपोज एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे ये बस जो है ये यहां पर पहुंच चुका है अभी भी इस रोडवेज का यूटिलाइजेशन कितना है ट्वेंटी परसेंट तो जैसे जैसे ये बस ट्रेवल कर रहा है अभी भी किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में ये पूरे के पूरे रोडवेज का ट्वेंटी परसेंट हिस्सा ही कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा वो कंज्यूम नहीं कर रहा है क्योंकि रोडवेज का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा ये किसके किस पे डिपेंड करता है बस के साइज पे अगर बस का साइज बढ़ता या घटता है तो यूटिलाइजेशन एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में भी बढ़ेगा एंड घटेगा लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है ना भाई किसी भी मूवमेंट ऑफ टाइम पे ये बस का साइज कॉन्स्टेंट है तो जो स्पेस है वो ट्वेंटी मीटर का ही वो कंज्यूम करेगा किसी भी टाइम इंस्टेंस में बात समझ में आ रहा है द सेम थिंग इज हियर द सेम थिंग इज हियर सो आउट ऑफ टोटल चैनल ये जो फ्रेम है अब चूंकि हम लोग यहां पर हर एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं किसके रेफरेंस में टाइम के रेफरेंस में तो हम लोग टाइम के रेफरेंस में ही लिखेंगे ठीक है टाइम के रेफरेंस में लिखेंगे तो ये फ्रेम जो है इसका ट्रांसमिशन टाइम कितना है भाई टीएफ है टीएफ है और इस सिंगल फ्रेम को डिलीवर करने में टोटल तो टाइम कितना लग रहा है तो इस सिंगल फ्रेम को डिलीवर करने में टोटल तो टाइम लग रहा है एफ प्लस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था टू टीपी प्लस टी ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्लस टी ऑफ ए सी के ठीक है तो दिस इज दाइम रिक्वायर्ड बाई अ सिंगल फ्रेम टू गेट सक्सेसफुली डेलीवर्ड ठीक है और इस टोटल टाइम में से कितना टाइम यूटिलाइज हो रहा है इस लिंक के रिस्पेक्ट इस टोटल टाइम में से कितना टाइम इंस्टेंस इस लिंक के यूटिलाइजेशन में स्पेंड हो रहा है तो टीएफ टाइम जो फ्रेम का साइज होगा जो फ्रेम का साइज होगा दैट इज द टीएफ टाइम अब यहां पर यू माइट बी थिंकिंग कि सर जब एक्नोलॉज फ्रेम वापस आएगा तो एक्नोलॉजमेंट फ्रेम तो कुछ स्पेस कंज्यूम कर रहा है ना सपोज दिस इज द एक्नोलॉजमेंट फ्रेम तो ये एक्नोलॉजमेंट फ्रेम के कारण भी तो चैनल यूटिलाइज हो रहा है ऑफकोर्स हो रहा है इस एक्नॉलेजमेंट फ्रेम के कारण भी ये चैनल यूटिलाइज यूटिलाइज हो रहा है बट दिस इज नॉट अ कम्युनिकेटिंग फ्रेम दिस इज द कंफर्मेशन फ्रेम जस्ट लाइक जस्ट लाइक कि मैंने आपको 10 घंटे दिए थे सीएन पढ़ने के लिए आपने क्या किया आपने चार घंटा सीएन पढ़ा दो घंटा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा पढ़ने का काम आपने अभी भी किया लेकिन वो नहीं पढ़ा जो मेरे रिस्पेक्ट में था भाषा में आ रहा है आप पढ़ाई ये दो घंटा भी आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप वो पढ़ाई नहीं कर रहे हो जो टास्क मैंने आपको दिया था तो इसका टाइम हम लोग काउंट नहीं करेंगे सिमिलरली सिमिलरली हियर वी आर कैलकुलेटिंग द द चैनल यूटिलाइजेशन रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेटिंग फ्रेम जैसे कि वहां पर विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपसे यूटिलाइजेशन पूछा था वहां पर मैंने यूटिलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क पूछा था ना कि कोई और सब्जेक्ट सिमिलरली यहां पर जो यूटिलाइजेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है यहां पर जो यूटिलाइजेशन है ये कैलकुलेट हो रहा है कम्युनिकेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो कम्युनिकेटिंग डेटा है उसके कारण चैनल कितना यूटिलाइज हो रहा है सो दिस पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन इज कैलकुलेटेड ठीक है ना कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेटिंग डेटा फ्रे कम्युनिकेटिंग डेटा फ्रे बात समझ में आ रहा है सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन दैट वी है यह अब हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया दिस इज दैनल यूटिलाईजेशन कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं कोई भी डाउट हो समस्या हो वी कैन डिस्कस अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सी सी इफ इफ एल ऑफ ए सी के मतलब जो एक नॉर्मल फ्रेम है उसका साइज जो है वो टेंडिंग टू जीरो है ऑफ कोर्स जो एक नॉर्मल फ्रेम है उसका साइज बहुत ही छोटा होगा तो अगर L ऑफ ए के टेंडिंग टू जीरो है देन देन T ऑफ ए के ये भी क्या हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा एंड 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 T ऑफ प्रोसेसिंग इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो तो इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में चैनल यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा भाई चैनल यूटिला चैनल सिचुएशन है तो इफ टी ऑफ ए सी के स्टैंडिंग टू जीरो एंड टी ऑफ प्रोसेसिंग स्टैंडिंग टू जीरो

ये यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिफाइन होते हैं थ्रूपुट को कैसे डिफाइन करेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रूपुट आप कैसे डिफाइन करते हैं सिंपल से लैंग्वेज में सेम चीज यहां पर भी है बस ऑपरेटिंग सिस्टम में रेफरेंस में हम लोग सीपीयू लेते हैं और यहां पर रेफरेंस में किसको ले रहे हैं चैनल या लिंक ये बोल सकते हो आप दिस वन देखिए सिंपली थ्रूपुट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है ना समथिंग हैपनिंग पर यूनिट टाइम कोई भी घटना जो पर यूनिट टाइम पे हो रहा है दैट इज नथिंग बट द थ्रूपुट अब समथिंग के रेफरेंस में आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग uh, सिस्टम में समथिंग के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द थ्रूपुट यही होता है ना कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एक यूनिट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इज द थ्रूपुट इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो वैसे ही मतलब रेफरेंस में आप कुछ भी उठा सकते हैं यहां पर थ्रूपुट आप कैसे डिफाइन करोगे नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम दैट इज नथिंग बट द थ्रूपुट तो सिंपल से भाषा में हम लोग थ्रूपुट को कैसे डिफाइन करेंगे समथिंग एपनिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट ठीक है तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गया कंप्यूटर नेटवर्क के भाषा में थ्रूपुट कैसे डिफाइन करेंगे तो थ्रूपुट इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड पर यूनिट ठीक है तो मेरे दोस्त सेंडर जो है वो कितने बिट्स को ट्रांसमिट कर रहा है तो जितना बिट्स का साइज एक फ्रेम का होगा यस yes no. भाई सेंडर जो है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट करेगा तो जो साइज एक फ्रेम का होगा यस ओनो भाषण में आ रहा है और एक फ्रेम को सक्सेसफुली डिलीवर होने में टोटल कितना टाइम लग रहा है तो दैट इज दी एफ प्लस टू टीपी अगर बाकी को इग्नोर कर दे तो थ्रूपुट हमारा क्या हो जाएगा सो द थ्रूपुट विल बिकम एल अपॉन एल क्या है बिट्स के फॉर्म में डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टीएफ प्लस टू टीपी यह सपोज किसमें है सेकेंड में है तो फाइनली ये क्या आ जाएगा एल अपॉन टीएफ प्लस टू टीपी यह कैलकुलेट किसमें हो गया पर द इफेक्टिव बैन बट द इफेक्टिव समझ में आ रहा है तो तो कितने बिट ट्रांसमिट करेगा सेंडर जितना फ्रेम का साइज होगा फ्रेम का साइज कितना मैंने एज्यूम किया था एल बिट और टोटल टाइम कितना लग रहा है एक फ्रेम को सक्सेसफुली डिलीवर करने में तो दैट इज द टीए प्लस टू टीपी ये कब का सिचुएशन है जब बाकी के दो पैरामीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं सो थ्रूपुट विल बी एल अपॉन दिस टोटल टाइम एल किस फॉर्म में था बिट्स के फॉर्म में था ये टाइम के फॉर्म में है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बिट पर सेकेंड समझ में आ रहा है क्लियर है भाई तो चलिए चलिए ये कब का सिचुएशन मैंने एजूम किया है इफ इफ अब ये बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए है, वो हमारे पास क्या है तो एल अपॉन टी एफ प्लस टू टीपी इसको थोड़ा सा मोडिफाई करते है तो एल को अगर हम लोग आर से डिवाइड कर दे और आर से ही मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क पड़ेगा क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा एंड वी ऑलरेडी नो वट इज एल अपॉन आर सो दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सिंगल फ्रेम तो चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो so यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो दिस इज अगेन टी एफ क्योंकि हमें पता है टी एफ क्या होता है तो टी एफ इज नथिंग बट एल अपॉन आर ठीक है तो यहां पर लिख सकते हैं टी एफ अपॉन टी एफ प्लस टीपी और ये आर तो रहेगा ही एंड जस्ट वी हैव सीन व्हाट इज दिस ठीक है ना जस्ट हम लोगों ने देखा कि ये पूरा टर्म क्या होता है यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल तो फाइनली हाउ वी कैन राइट वी कैन राइट दिस इज द ईटा ईटा अपॉन इनटू आर सो दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव बैंडविड्थ नाउ लेट्स सी व्हाई द नेम वाज गिवन एज इफेक्टिव इसको हम लोग इफेक्टिव बैंड क्यों बोलते हैं अब इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई मेरे किसी भी चैनल का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी भी चैनल का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं देखो अगर सपोज सेंडर और रिसीवर के बीच में ये चैनल है या लिंक है कुछ भी आप बोल दो अब इस लिंक के बराबर अगर हम लोग एक फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो यहां पर चैनल का यूटिलाइजेशन कितना होगा ऑलमोस्ट 100 परसेंट सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चैनल है उसके बराबर अगर हम लोग एक फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो इसका यूटिलाइजेशन कितना होगा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है भाई किसी भी दुनिया में मशीन है मशीन का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है हंड्रेड परसेंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता उससे कम जरूर होगा ठीक है ना उससे कम जरूर होगा तो मुझे यहां पर एक बात पता है कि चैनल का जो यूटिलाइजेशन है या तो वो जीरो हो सकता है या मैक्सिमम वन हो सकता है या तो वो जीरो हो सकता है या मैक्सिमम कितना हो सकता है वन हो सकता है भाई अगर सेंडर कोई भी डेटा फ्रेम सेंड नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में तो उस चैनल का यूटिलाइजेशन कितना होगा जीरो परसेंट yes no? तो अब समझना ये है कि वाइब अगेन अगेन इसका डायमेंशन क्या है तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बिट पर सेकेंड तो अब समझना अगर चैनल का यूटिलाइजेशन हंड्रेड परसेंट होता है यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं

100% होता है सेकेंड सिचुएशन क्या है कि सपोज सपोज इक्ट फिफ्टी परसेंट तो इस situation में बात समझ में आ रहा है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्चुअल बैंडविड्थ सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दिस बैंडविड्थ इज एफेक्टेड ड्यू टू द चैनल यूटिलाइजेशन ये जो बैंडविड्थ है ये अफेक्टेड हो रहा है बार बार किससे चैनल के यूटिलाइजेशन से और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं दिस इज द इफेक्टिव बैंडविड्थ बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द चैनल यूटिलाइजेशन और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज अफेक्टेड ड्यू टू द चैनल यूटिलाइजेशन बात समझ में आ रहा है तो यहां पर हम लोग इसको इफेक्टिव बैंडविड्थ क्यों बोलते हैं बिकॉज बिकॉज it is affected due to channel utilization that's why that's why it is called it is called effective band Effective. मैंने बोला था ना हर एक नेमिंग कन्वेंशन के पीछे रीजन होता है बस उस reason को पता करना है क्या करना है, मेरे दोस्त? उस reason का पता है अब इस तरह से आप किसी भी चीज को सीखोगे मेरे दोस्त कभी भूल पाओगे अगर इस तरह से आप किसी भी नेमिंग कन्वेंशन को अगर आप कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रहे हो और कॉन्सेप्ट के करेस्पॉडिंग आप रियल लाइफ रियल वर्ल्ड से रिलेट कर रहे हो कॉन्सेप्ट को तो कभी भी आप चीजों को भूल पाओगे क्या नहीं भूल पाओगे समझ में आया भाई सो so फाइनली हमारे पास दो फॉर्मूला डेरिवेशन है दो फॉर्मूला डेरिवेशन है सबसे पहला जो आगे हम लोग यूज करने वाले हैं नेटवर्क यूटिलाइजेशन ये हमने क्या कैलकुलेट किया था तो टी एफ अपॉन टी एफ प्लस टू टीपी ठीक है ना ये कब का सिचुएशन है जब टी ऑफ ए सी के इज टेंडिंग टू जीरो एंड टी ऑफ प्रोसेसिंग इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो चूकी ये यूटिलाइजेशन है तो यूटिलाइजेशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है जीरो मैक्सिमम वन तो ये सबसे पहला हो गया ठीक है ना ये सबसे पहला हो गया दूसरा दूसरा Throughput, ठीक है ना या इफेक्टिव बैंडविड्थ भी आप बोल सकते हैं यू कैन से द इफेक्टिव बैंडविड्थ ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है तो एल अपॉन ए प्लस टू और ईटा इंटू आर क्लियर है भाई जहां पर आर हमारा क्या है तो आर है हमारा एक्चुअल अब गेट के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड है भाई इसी फॉर्मूले को तो मॉडिफाई करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं ना तो गेट के सारे प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है अगर ये दो चीजें समझ में आ रहा है तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से अभी तक अभी तक पिछले तीस सालों में सेवन टू एट प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं और हर एक प्रॉब्लम्स को वन बाय वन हम लोग देखेंगे ठीक है ना हर एक प्रॉब्लम को वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे चलिए चलिए एक मैं छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं उसको पहले आप सॉल्व करो देन वी विल मूव अहेड लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा चीजों को समझिए ठीक है ना कुछ पैरामीटर है कैसे डिफाइन होते हैं इसको पहले समझिए सी सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी आप लिखते हो 1k डिजिटल में मैं बात कर रहा हूं डिजिटल आप जब पढ़ते हो के का मतलब कितना होता है टू टू डी पावर टेन होता है ना लेकिन व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क यहां पर वन के का मतलब क्या होता है तो टेन टू डी पावर थ्री ठीक है ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है इसको समझते चलिए यहां पर वन एम का मतलब होता है टेन टू डी पावर सिक्स लेकिन जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो वन एम का मतलब होता है टू टू डी पावर ट्वेंटी यहां पर वन जी का मतलब होता है टेन टू डी पावर नाइन और यहां पर वन जी का मतलब क्या होता है टू टू डी पावर फोर्टी बस ये डिफरेंस है आपको थोड़ा सा समझना है ठीक है ना ये तो पहला हो गया पहला हो गया बाकी आपको पता है वन मिली सेकेंड इज इक्वल टू टेन टू डी पावर माइनस थ्री सेकेंड एंड वन माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू टेन टू डी पावर माइनस सिक्स सेकेंड एंड वेन एवर आई एम राइटिंग वन नैनो सेकेंड इज इक्वल टू टेन टू डी पावर माइनस बस ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कोई बड़ी चीज मैंने नहीं लिखा है यहां पर बेसिक सा चीज है जो आप ऑलरेडी जानते हो बस उसको मैंने एलोबरेट किया इन सब का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा दिस इज नथिंग बट किलो ठीक है ना मेगा एंड ठीक है किलो मेगा गीगा इस तरह से रहता है चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूं उसके बाद मैं आपको गेट का न्यूमेरिकल दूंगा ठीक है सपोज क्वेश्चन गिवेन है क्वेश्चन क्या गिवेन है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हमें यूज करना है ठीक है ना स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हमें क्या करना है यूज करना है बैंडविड्थ हमें गिवेन है आर का वैल्यू क्या गिवेन है वन केबीपीएस ठीक है 1 Kbps. या बैंडविड्थ आप कुछ और ले लो वन एमबीपीएस ठीक है और फ्रेम का लेंथ गिवेन है फ्रेम का लेंथ गिवेन है वन थाउजेंड ठीक है टीपी का वैल्यू हमें गिवेन है टीपी का वैल्यू हमें गिवेन है टू मिली ठीक है ना रिमेनिंग रिमेनिंग ऑल वी हैव टू हैव टू ग्लेक्ट नेग्लेक्ट तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइंड ईटा एंड आर इफेक्टिव ठीक है ईटा एंड आर इफेक्टिव मतलब कि यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट आपको पता करना है तो चलिए देखते हैं तो यहां पर मेरे दोस्त आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है वन एमबीपीएस तो आर का वैल्यू अगर हमें वन एमबीपीएस गिवेन है bps का मतलब मुझे पता है बिट पर सेकंड तो 1 mbps का मतलब क्या हो गया तो 1 mbps का मतलब हो गया m का मतलब अभी हम लोगों ने देखा है 10 टू द पावर 6 ये किस फॉर्म में है बिट्स पर सेकंड l का वैल्यू भी गिवन है तो r और l की मदद से हम लोग क्या पता करेंगे tf तो tf कैसे कैलकुलेट करेंगे सो so tf ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ फ्रेम इज नथिंग बट l अपॉन r L का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1000 थाउजेंड बिट्स डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 टू डी पावर सिक्स बिट्स पर सेकेंड तो ये बिट्स बिट्स कैंसिल होंगे यहां से ये तीन जीरो कैंसिल होंगे तो आएगा कितना 10 टू डी पावर माइनस थ्री सेकेंड आएगा ठीक है ना तो 10 टू डी पावर माइनस थ्री को आप क्या लिख सकते हैं वन मिली सेकेंड देखिए समझना मैंने टीएफ को मिली सेकेंड में क्यों लाया मैंने जो टीएफ है उसको मिली सेकेंड में क्यों लाया क्योंकि जो टीपी है वो भी हमें किस फॉर्म में गिवेन है मिली सेकेंड में गिवेन है तो दो पैरामीटर अगर मिली सेकेंड में है तो इसको एड कर सकते हैं लेकिन अगर एक मिली सेकेंड में है, दूसरा सेकेंड में है, कभी भी आप एड कर सकते हो समझना मैं क्या बोल रहा हूं सपोज ए दिया हुआ है वन सेकेंड और बी दिया हुआ है टू मिली सेकेंड अगर आपसे कोई पूछेगा ए प्लस बी तो आप क्या बोलोगे वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री आप ये बोलोगे क्या नहीं क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में है दूसरा मिली सेकेंड में तो इसको कभी ऐड ही नहीं कर सकते इसको कभी हम लोग ऐड नहीं कर सकते तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो इसको हम लोग मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तब ऐड करें या इस मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर दें, तब ऐड करें तब हमें एक यूनिक यूनिट दिखाई देगा या तो सेकंड में या तो मिली में। सेकंड में आ रहा है अदरवाइज़ ये एडिशन आपको किसी एक को तो तो फॉर्म में रखा मिली सेकेंड में रखा क्योंकि मुझे पता है यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते टाइम डिनोमिनेटर वाले पार्ट में दोनों ऐड होता है yes no? तो अब दोनों का पता चल गया

Utilization of channel. अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू वन बाई फाइव इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी अब अगर आपको इफेक्टिव बैनविट कैलकुलेट करना हो तो यह क्या होता है तो ईटा इंटू आर तो ईटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है ईटा का वैल्यू दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट आप इसको लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाई फाइव टू आर का वेल्यू कितना दिया हुआ है टेन टू डी पावर सिक्स बीपीएस बीपीएस सो फाइनली यू कैन राइट यू कैन राइट इन दिस फॉर्म लाइक टेन टू डी पावर सिक्स को मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया तो वन थाउजेंड इन टू टेन टू डी पावर थ्री बीपीएस ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है डिवाइडेड बाई फाइव तो यह फाइव से यह जाएगा कितने बार जाएगा टू टाइम्स तो ये जीरो जीरो ठीक है तो यहां पर यह हमारा फाइनली कितना आएगा तो टू हंड्रेड इन टू टेन टू डी पावर थ्री बीपीएस को कितने फॉर्म में स्विच किया जा सकता है या तो एक ये हमारा आंसर होगा समझना या इसी आंसर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू हंड्रेड केबीपीएस यस नो क्योंकि टेन टू डी पावर थ्री का मतलब क्या होता है वन तो हंड्रेड Kbps लिख सकते हैं या इसी आंसर को हम लोग लिख सकते हैं 200 हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट इंटू टेन टू डी पावर थ्री थ्री और इंटू एट बीपीएस ऐसे लिख सकते हैं एट से मैंने डिवाइड किया और एट से मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना अब ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं बताऊंगा ठीक है ना मुझे पता है कि एट बिट ज इक्वल टू क्या होता है वन बाइट होता है भाई एट बिट इज इक्वल टू वन बाइट तो इस एट बिट की मदद से इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल बी में भाषण में आ रहा है अब इसको डिडक्ट करिए तो चार दूना आठ और चार पचे बीस जीरो एंड टू ट्वेंटी फाइव तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे ट्वेंटी फाइव ठीक ट्वेंटी फाइव एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट द वन के ठीक है ना तो यहां पर क्या लिखेंगे के अब इस पूरे पार्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कैपिटल तो मेरे दोस्त या तो आंसर इस फॉर्म में होगा या आंसर इस फॉर्म में होगा या आंसर इस फॉर्म में होगा किसी भी फॉर्म में हो सकता है बस मैं आपको कन्वर्जन मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वर्जन मैकेनिज्म बता रहा हूं क्लियर है सभी लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि, कि किसी एक ऑप्शन में यह दिया हुआ है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करना है आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कुछ नहीं है सिंपल सा फोर फाइव सिक्स में जो आपने पढ़ा है वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं लगा हुआ है सिंपल सा गुणा भाग हो रहा है चलिए यहां तक पॉइंट क्लियर है आगे बढ़े भाई यहां तक सभी को पॉइंट क्लियर है चलिए तो दो क्वेश्चन देता हूं गेट का प्रीवियस ईयर का उसको सॉल्व करिए चलिए ये सबसे पहला क्वेश्चन है इसका मैं इमेज आपको भेज दे रहा हूं ठीक है ना ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा मैं ये सारा इमेज आपको ग्रुप में भेजूंगा आप लोगों के पास वर्ब बुक है क्या चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है ठीक है ना दो ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ठीक है protocol, ना तो दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं टोटल टाइम है आपके पास सेवन मिनट का ठीक है ट्राई योर सेल्फ एक क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको ट्राई करिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं ठीक है भाई Take your time, not a problem at all. अपना समय लो एंड गेट दूशन यू कैन पर्सनली शेयर मी ग्रुप में मत करिएगा किसी को सोल्यूशन पता चल जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस फिर खत्म हो जाता है वो सोचता है सोल्यूशन ही देख ले तो ट्राई योर सेल्फ वेन एवर यू आर गेटिंग द आंसर क्लिक अ पिक्चर एंड जस्ट सेंड मी पर्सनली इन टेलीग्राम ठीक है भाई चलिए चलो भाई चलिए सभी लोगों ने बेहतर ट्राई किया है और जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो अपन ब्रेक के बाद देखते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी को भूख लगा हुआ है और रिस्पांस थोड़ा सा डिले है तो कहीं ना कहीं पेट में चूहा दौड़ रहा है सभी का यस yes नो no? तो ब्रेक लेते हैं हाफ एन आवर का आप आराम से डिनर कर लो और उसके बाद अपन फिर से स्टार्ट करते हैं रिज्यूम करते हैं क्लियर है भाई कोई दिक्कत सभी लोग एक बार थम आ जाना चाहिए आपके तरफ से देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन uh, में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कौन सा बिट पर सेकंड में है कौन सा सेकंड में है कौन सा मिली सेकेंड में है क्या पूछा जा रहा है मिली सेकेंड में या किस में इन सब बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा हर जगह और फिर कट करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है जैसे ही हम लोग दस बारह न्यूमेरिकल कर लेंगे ना आप कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली हो जाओगे तो उसके लिए परेशान नहीं होना है ये दोनों क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा आप समझो कहां पर कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन दोनों क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से रिमेनिंग जितने भी गेट के हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे ठीक है तो हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं अभी हो रहा है दस बज के पांच मिनट दस बज करके पैंतीस मिनट में हम लोग यहीं पर वापस मिलेंगे ओके चलो भाई लोग लाइव हैं सभी लोग लाइव हैं एक बार थम दे दें अगर लाइव आ चुके हैं तो अच्छा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड थर्टी थ्री चलिए चलिए अगर सभी लोग लाइव आ चुके हैं तो को करना शुरू दिनेश, चाहे स्टूडेंट से बन रहा हो या ना बन रहा हो क्योंकि होता क्या है ना कि जब बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं तो मैं मानता हूं कि शायद एट्टी परसेंट क्वेश्चन एट्टी परसेंट जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन ट्वेंटी परसेंट तो होगा ना जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है या कंफ्यूजन है या जो भी है तो हर एक को देखना होता है तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को पूरा बेसिक से सॉल्व करेंगे उसके लिए टेंशन नहीं लेना ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और उसके बाद सॉल्व करते हैं देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है पहला क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिए दूसरा क्या पूछा जा रहा है उसको देखिए अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट का ठीक है ना जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड जस्ट सी वॉट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग और उसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है बात समझ में आ रहा है तो आफ्टर रीडिंग वंस यू आर रीडिंग द क्वेश्चन ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ठीक है और उस इंफॉर्मेशन को फिर यूज करके -कर -कर जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका हम आंसर करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है अ चैनल हैज अ बिट रेट ऑफ दिस 4 बीपीएस। मतलब कि सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें क्या मिला आर इज इक्वल टू 4 kbps ठीक है बिट रेट एंड वन वे प्रोपेगेशन डिले ऑफ 20 मिलीसेकंड अब वन वे प्रोपेगेशन डिले क्या होता है इसको समझिए वन वे प्रोपगेशन डिले क्या होता है इसको समझिए ठीक है ना वन वे प्रोपगेशन डिले का मतलब होता है कि सपोज ये हमारा सोर्स और लाइक सेंडर एंड रिसीवर है ठीक है एक सेंडर है एक रिसीवर है तो पैकेट का जाना इसको बोलते हैं वन वे जिसमें टाइम कितना लगता है टीपी और फिर एक्नोलेजमेंट का आना अगेन कितना लगेगा तो ये हमारा हो गया टू वे भाषण में आ रहा है ये हमारा हो गया टू वे लेकिन अगर यहीं पर ये हमारा सोर्स है या सेंडर है या रिसीवर है और सिर्फ एक तरफ की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया वन वे वन वे सिर्फ जाने के प्रोसेस को बोलेंगे वन वे किसी एक रास्ते से एक रास्ते से गुजरने का प्रोसेस को बोलेंगे वन वे और अगर जहां आ रहे हैं इसको बोलेंगे टू वे तो यहां पर दिया हुआ है वन वे प्रोपागेशन डिले तो हम लोग यहां पर क्या एज्यूम करेंगे द टीपी इज गिवन एज ट्वेंटी मिली सेकेंड ठीक है द चैनल हैज द चैनल हैज द चैनल यूजेस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल अब हमें यह पता चल गया है कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना ठीक है नाउ ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नोल फ्रेम इज नेग्लिजिबल तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि टी ऑफ ए सी के हमें गिवेन है टू गेट दैनल एफिसियंसी ऑफ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट तो सी समाइम वी से यूटिलाईजेशन एंड समाइम वी से एफिशियंसी मीनिंग ऑफ बोथ द टर्म्स आर सिमिलर दोनों टर्म का मीनिंग क्या है सिमिलर है तो हमें यहां ईटा का वैल्यू गिवन है ईटा कितना दिया हुआ है ठीक है ना टू गेट द चैनल दी ऑफ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मिनिमम फ्रेम साइज शुड बी फ्रेम का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं देखिए यहां पर प्रोसेसिंग टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है दे हैवंट गिवन एनीथिंग अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम देन वी नीड टू अज्यूम ट प्रोसेसिंग टाइम वी हैव टू कंसिडर एज जीरो तो किसी भी पैरामीटर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम लोग क्या जूम करेंगे जीरो क्लियर है भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमें पता है कि चैनल यूटिलाइजेशन क्या होता है तो टी एफ अपॉन टी एफ प्लस टू टीपी और हमें यह भी पता है कि टी एफ क्या होता है एल अपॉन आर ठीक है तो यहां पर यह दिया हुआ है फिफ्टी परसेंट ईटा का वैल्यू और rtm क्या होता है l अपॉन r डिवाइडेड बाय अगेन दिस इज द l अपॉन r एंड प्लस 2 tp तो इसको हम लोग फाइनली कैसे लिख सकते हैं तो यहां पर 50% मींस 1/2 अब ये r r आपस में कैंसिल होगा तो r यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल सा मैथमेटिक्स है r यहां पर जब कॉमन लेंगे तो ये r मल्टीप्लाई होगा और ये r r को मैंने कट कर दिया ठीक है ना तो ये हो जाएगा हमारा l अपॉन क्या होगा भाई तो l अपॉन l 2 tp tp का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो tp का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेकेंड तो 20 सेकेंड को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर माइनस 3 सेकेंड लिख सकते हैं तो ये मैंने एक्चुअली में क्या किया है ये मिलीसेकंड को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया क्लियर तो है भाई चलिए अब r r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 kbps

अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा टू एल इज इक्वल टू एल प्लस मल्टीप्लाई करिए टू इंटू ट्वेंटी इंटू फोर कितना होगा वन सिक्सटी डायमेंशन क्या है बेट्स अब इस एल को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे क्या आएगा तो एल इज इक्वल टू वन सिक्सटी और ये हो जाएगा हमारा फाइनल कोई दिक्कत परेशानी हो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े कोई भी समस्या हो कोई भी पॉइंट हो जहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है आप पूछ सकते हैं हर एक को इस तरह से ब्रेक करना सीखिए ताकि आपको पता चले कि सेकंड सेकंड कट रहा है बच क्या रहा है बिट्स बच रहा है तो बिट्स आ जाएगा आधा अधूरा करेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि बिट पर सेकंड है या बिट है या क्या है या सेकंड है तो पूरा एक्सपेंड करना सीखिए यहां तक क्लियर है भाई आगे बढ़े चलो भाई, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर था 33. ठीक है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में ठीक है? 2015। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे देखिए अ लिंक ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ दिस मतलब ये कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है आर ठीक है आर का वैल्यू दिया हुआ है उसके बाद इट यूजेस द डेटा पैकेट साइज ऑफ वन थाउजेंड बाइट मतलब ये क्या दिया हुआ है एल ठीक है मेरे दोस्त आर पता है और एल पता है ठीक है ना तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं tf तो हम लोग जानते हैं कि tf क्या होता है tf एफ इज टू एल अपॉन आर चलिए एल का वैल्यू कितना गिवेन है 1000 ये बाइट्स में गिवेन है तो पूरा लिखिए बाइट्स, डिवाइडेड बाई बाइट्स। आर आर का कितना है 10 to the power 6 बिट्स पर है बिट्स है अब समझना ये ये में में कट कर सकते हैं क्या नहीं पहले इस बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं तो ये हो जाएगा इन बाइट को बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे 8 बिट

एट मिली सके यहां तक कोई भी दिक्कत या समस्या हो आप पूछ सकते हैं देखिए बहुत मैं तरीके से तरीके से हर एक चीज को एक्सपेंड करके आपको फील करा रहा हूं ताकि आप समझो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है? तो अभी तक मेरा रीडिंग यहीं तक कंप्लीट हुआ है ठीक है ना यहां तक हमने सिर्फ रीडिंग किया है और इस रीडिंग के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे

प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले एक पूरे डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्विच कराने का जो डिले टाइम है वही प्रोपागेशन डिले होता है इसमें कोई नई बात नहीं है बिना मतलब का घुमा रहा है द प्रोपागेशन डिले इज सेम एज डेटा प्रोपागेशन डिले भाई डेटा को ही तो प्रोपागेट कर रहा है ना ठीक है ना तो इसमें कोई नया इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है ऑल्सो एजूम दैट द प्रोसेसिंग डीले एट द नोड आर निग्लेबल मतलब इज एक्सैक्टली ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब ईटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट द वैल्यू ऑफ वन वे प्रोपागेशन डीले मतलब की आपसे क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है टीपी का वैल्यू कितना होगा वन वे प्रोपोगेशन डिले मीन्स वन ली टीपी वन वे प्रोपगेशन डिले मीनस वन ली टीपी तो चलिए अब मुझे फॉर्मूला तो पता ही है इज इक्वल टू क्या होता है तो टी एफ अपॉन टी एफ प्लस टू टीपी भाई मेरे ईटा पता, पता है टीएफ पता है तो टीपी नहीं पता कर सकते कर ही सकते लेकिन ये किस में पूछा जा रहा है ये ध्यान दे रहा है

मिलीसेकंड में पासन में आ रहा है टीएफ जो भी हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है वो किस में किया हुआ है मिलीसेकंड में ताकि इस क्वेश्चन का आसान आंसर करना आसान हो जाए तो चलिए इटा का वैल्यू है ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब हो गया वन डिवाइडेड बाय फोर दिस इंप्लाइज टी एफ का वैल्यू कितना है एट ये किस फॉर्म में है मिली के फॉर्म में डिवाइडेड बाई टी दैट इज द एट मिली प्लस टू टीपी तो टू टीपी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर ये कितना आएगा 8 इंटू फोर थर्टी टू मिली सेकेंड इज इक्वल टू एट मिली सेकेंड एंड प्लस 2 टीपी तो फाइनली टीपी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त तो 32 टू माइनस एट डिवाइडेड बाई 2 ये किस में था मिली सेकेंड में था इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा तो दिस इज और थर्टी टू माइनस एट ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू ये आ जाएगा ट्वेल्व किसमें आएगा मिलीसेकंड में और यही मिलीसेकंड सेकेंड में तो आपसे पूछ रहा था ना तो न्यूमेरिक बॉक्स में आप वैल्यू क्या पुट करेंगे ट्वेल्व समझ में आया भाई दिनेश बाकी सभी लोग अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम सभी की तरफ से आना चाहिए कहीं पर भी कोई भी डाउट हो समस्या हो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़े सेलेक्टिव रिपीट से रिलेटेड है चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं ठीक है ना ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं दो क्वेश्चन और अपन देखते हैं स्टॉप एंड वेट रिलेटेड से लेकर करके कर कर। कल से मैं आपको वर्क बुक ही शेयर कर दूंगा और डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ठीक है ना ताकि थोड़ा सा अप हो सके हम लोग हाँ एक ये दूसरा क्वेश्चन है तो अपने पास दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं 2016 का और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में एक क्वेश्चन 2016 का जो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं ये 2017 में आया हुआ है दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए और आपके पास टोटल समय है 10 मिनट्स का ये थोड़ा सा टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चन रिलेटेड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ठीक है भाई ओके okay. मैं क्या करूंगा आ, कल आपको जितने भी मेरे पास सीएन के वर्क के लाइक क्वेश्चन पेपर है मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जितने भी सीएन के वर्क के क्वेश्चन पेपर है ठीक है ना वो मैं आपको सारा सीटी शेयर कर दूंगा चैप्टर वाइज और उसी सीक्वेंस में अपन देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहां पर बोर्ड पे डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिखवा दूंगा तो ये थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा क्या तो कल से हम लोग यही करने वाले हैं तो दो क्वेश्चन है एक आपके बोर्ड पे है डायरेक्टली 2017 का आया हुआ क्वेश्चन दूसरा है 2016 का जो मैं आपको ग्रुप में अभी रिसेंटली शेयर कर रहा हूं ट्राई बोथ द क्वेश्चन टेक योर टाइम एंड ट्राई टू तो सॉल्व इट आउट और जैसे ही आपके पास आंसर आता है यू जस्ट शेयर मी पर्सनली ताकि मैं देख पाऊं इंडिविजुअल स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली मुझे गाइड भी करना रहता है तो मैं आपको बस थॉट uh, प्रोसेस को देखना चाहता हूं कि आप कैसे अप्रोच करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को ठीक है भाई चलिए टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट एक बार कंफर्म कर दे तो फिर अपन सॉल्यूशन देखते हैं सभी लोग लाइव हैं चलिए चलिए देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें कुछ करना नहीं है ठीक है ना Uh, इस क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है स्टॉप एंड वेट ए आर अब समझना क्या दिया हुआ है बिट रेट ऑफ़ द ट्रांसमिशन चैनल इज दिस मतलब ये आर का वैल्यू गिवेन है ठीक है प्रोपगेशन डिले फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर मतलब ये टीपी का वैल्यू गिवेन है ठीक है टाइम टू प्रोसेस फ्रेम टी ऑफ प्रोसेसिंग गिवेन है ठीक है ना नंबर ऑफ बाइट्स इन द इंफॉर्मेशन फ्रेम देखिए कोई भी फ्रेम जब जनरेट होता है ना या पैकेट इसमें दो चीजें होती है एक तो हमारा हेडर होता है और दूसरा डेटा होता है तो नंबर ऑफ बाइट इन इंफॉर्मेशन फ्रेम ये दिया हुआ है इसका मतलब ये किसका वैल्यू दिया हुआ है फ्रेम के डेटा का वैल्यू दिया हुआ है डेटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई उन्नीस बाइट ये पूरा हमारा क्या है ये पूरा हमारा फ्रेम है ये yes सो और इस पूरे फ्रेम में किसी भी फ्रेम में भाई डेटा लिंक लेयर में अगर कोई भी पैकेट पैकेट क्रिएट हो रहा है तो उस में दो पार्ट होंगे ना डेटा एंड सपोर्टिंग है, इसको हम बोल सकते है, बिट्स, है? तो हमारा डेटा वाला साइज हमको गिवेन है नंबर ऑफ बाइट इन अब ये पूरे फ्रेम की बात कर रहे हैं मतलब कि ये हमें क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है एल ऑफ ए सी के इज इक्वल टू ट्वेंटी बाइट हम लोग बाइट क्यों लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ये साफ साफ़ बोल रहा है नंबर ऑफ बाइट्स क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए साफ साफ़ बोल रहा है कि नंबर ऑफ बाइट्स इन एक्नोलेजमेंट फ्रेम ट्वेंटी मतलब एल ऑफ ए सी के का वैल्यू कितना दिया हुआ है ट्वेंटी बाइट ठीक है नंबर ऑफ ओवरहेड बाइट्स इन द इंफॉर्मेशन फ्रेम ओवरहेड का मतलब क्या होता है सपोज ये आपका शरीर है और इस शरीर में आपने एक बैग टांग रखा है तो बैग हमारा क्या हो गया ओवर हो गया ना हमारे बॉडी के अलावा मैं इसको कैरी कर रहा हूं ये टी शर्ट क्या है ओवर है मैं अपने बॉडी के अलावा इस टी शर्ट को कैरी कर रहा हूं दिस इज नथिंग बट अ ओवर तो इसको हम लोग कभी कभी ओवरहेड का भी टर्म देते हैं तो इसको यहां पर क्या बोला जा रहा है दिस इज नथिंग बट द ओवर हेड बाइट मतलब की एक्चुअल कम्युनिकेटिंग डेटा के अलावा जो फ्रेम में एडेड है दैट इज द ट्वेंटी अब ये फ्रेम का साइज कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू आ रहा है मींस अब आपको एल का साइज कितना मिल गया टू थाउजेंड बाइस क्लियर है भाई ठीक है उसके बाद एजूम देर इज नो ट्रांसमिशन एरर देन द ट्रांसमिशन एफिशियंसी

अगर मुझे एल पता है और आर पता है तो हम लोग टी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो एल ऑफ ए सी के डिवाइडेड बाई आर बासन में आ रहा है तो हर चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं ना टी एफ कैलकुलेट हो गया और टी ऑफ ए सी के भी कैलकुलेट हो गया टी ऑफ ए सी के भी हमारा क्या हुआ कैलकुलेट हो गया. T of A C K is equal to L of A C K divided by R. तो हर चीज़ पता है. T F पता है, T P पता है, T of A C K पता है, ये पता है, ये पता है. तो इसको पता नहीं कर सकते हैं क्या? दिनेश, अमित, everyone. समझ में आया? क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है? अब आप कर लोगे. अब पूरा कैलकुलेशन. देखिए चैनल का यूटिलाइजेशन इसका कोई डायमेंशन होगा क्या नहीं होगा यूटिलाइजेशन हमेशा परसेंटेज में डिफाइन होगा में आ रहा है यूटिलाइजेशन का कोई डायमेंशन नहीं होता है ये हमेशा परसेंटेज में डिफाइन होता है इसका वैल्यू जीरो से लेकर के वन के बीच में लाइक करता है और उसको आप परसेंटेज में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो बन जाएगा भाई चलिए सिमिलरली सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर क्या था इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर क्या था भाई ये था क्या हां एट यही दिया था ना 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है थॉर्टी एट अब ये थोड़ा सा मजेदार है ठीक है ना जनरली सेंडर का ट्रांसमिशन रेट और रिसीवर का ट्रांसमिशन रेट हम लोग सेम लेते हैं लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि सेम नहीं लेना है मैं जो बोल रहा हूं वो करना है तो चलिए उसको देखते हैं

जनरली हम लोग अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सेम लेंगे दिनेश अगर अलग अलग दिया हुआ है चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ये हमारा सेंडर है और दूसरा हमारा कहीं पर यह रिसीवर है ठीक है अब आगे क्वेश्चन को रीड करिए क्या दिया हुआ है आ, डर यूजेज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स आर ऑफ साइज फ्रेम का साइज कितना दिया हुआ है, भाई? 1000 bytes. ठीक है? जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं एंड द ट्रांसमिशन रेट एट द सेंडर इज एट्टी केबीपीएस ये सेंडर साइड में मतलब सेंडर साइड में ट्रांसमिशन रेट कितना दिया हुआ है एट्टी केबीपीएस ठीक है और के का मतलब केबीपीएस का मतलब भी इन्होंने समझा दिया है केबीपीएस का मतलब क्या है थाउजेंड बिट्स पर सेकेंड ठीक है साइज ऑफ आ एक्नोलॉजमेंट फ्रेम इज हंड्रेड बाइट्स तो एल ऑफ ए सी के भाई तो वन हंड्रेड बाइट क्लियर है एंड द ट्रांसमिशन रेट एट द रिसीवर इज दिस एट केबीपीएस तो रिसीवर साइड पे आर टू कितना दिया हुआ है एट तो तो केबीपीएस ठीक है। One way propagation delay, 100 millisecond. मतलब, है? है मतलब का वैल्यू कितना तो तो अब T of के T of processing के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो इसको आप zero consider कर सकते हैं टी ऑफ प्रोसेसिंग बारे में इफ नथिंग इज गिवेन देन वी कैन कंसिडर इट एजीरो नो फ्रेम इज लॉट सेंडर थ्रूपुट इज देखिए थ्रूपुट किसका पूछा जा रहा है तो सेंडर का तो मुझे पता है कि सेंडर का थ्रूपुट थ्रूपुट मीन इफेक्टिव बैंडविड्थ तो सेंडर का थ्रूपुट क्या होता है तो दिस इज नथिंग बट आर तो क्या लेंगे आर वन लेंगे yes no? थ्रूपुट बोल रहा है तो सेंडर का एक्चुअल ट्रांसमिशन रेट क्या है आर वन तो थ्रूपुट कैसे निकलेगा ईटा इंटू आर वन बात समझ में आ रहा है इफ दे आर आस्किंग अबाउट द सेंडर थ्रूपुट देन यू हैव टू कंसीडर द एक्चुअल रेट एज आर वन तो मैं मुझे क्या कैलकुलेट करना है ईटा कैलकुलेट करना है और ईटा कैलकुलेट करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन गिवेन है तो ईटा का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे तो इक्वल टू टी एफ अपॉन टी एफ प्लस टू टीपी प्लस टी ऑफ ए सी के वाई बिकॉज द टी ऑफ प्रोसेसिंग कंसिडर्ड एज जीरो तो भाई मेरे एल पता है आर वन पता है तो TF कैलकुलेट हो जाएगा तो TF आप कैसे कैलकुलेट करोगे तो टी एफ इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन क्योंकि सेंडर फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है रिसीवर की है तो रिसीवर अपने ट्रांसमिशन रेट से एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को क्या करेगा ट्रांसमिट करेगा तो मुझे टी एफ पता चल गया टी ऑफ एसी के पता चल गया टीपी ऑलरेडी गिवेन तो क्या हम लोग यूटिलाइजेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते इफ यूटिलाइजेशन इज कैलकुलेटेड देन वी कैन कैलकुलेट दिस दिनेश अब समझ में आ रहा है एवरीवन अब बन जाएगा सॉरी सभी लोग एक बार कॉन्फिडेंटली बोलो अब बन जाएगा तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवेन है उसको आप कलेक्ट करना सीखिए और फिर प्रॉब्लम को अप्रोच करिए दो रेट गिवेन है तो किसके किसके गिवेन थोड़ा सा ध्यान दे दो एक सेंडर का ट्रांसमिशन रेट है दूसरा रिसीवर का है थ्रूपुट किसके बिहार जा रहा है सेंडर के पे तो यहां पर रेट किसका लेंगे सेंडर सेंडर का लेंगे भाई ऐसे भी थ्रूपुट के पे पूछा जाएगा ना नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम तो बिट्स कौन ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन बिट्स कौन ट्रांसमिट कर रहा है सेंडर तो थ्रूपुट हमेशा वो आपसे सेंडर के ही रेफरेंस में पूछेगा रिसीवर के रेफरेंस में नहीं आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो आप सभी को मिलीसेकंड में कैलकुलेट करो देखिए अगर आप टीएफ कैलकुलेट करते हो तो टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा भाई ठीक है ना टीएफ में क्या दिया हुआ है 1000 एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 1000 byte. Byte है 1000 बाइट बाइट को बिट में कन्वर्ट करिए तो बिट्स डिवाइडेड बाय अह बैंडविड्थ बैंडविड्थ कितना गिवन है भाई 80 केबीपीएस तो देखिए 80 केबीपीएस ठीक है के बी पी एस को लाइक इस जीरो को इस जीरो से हटा दीजिए इस एट को इससे तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डिवाइडेड टू पावर ये ऊपर में बिट्स है और नीचे में क्या आएगा बिट्स पर सेकेंड ये बिट्स बिट्स कैंसिल इसको ऊपर ले जाइए तो क्या लिखोगे वन हंड्रेड इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड तो ये हो जाएगा वन हंड्रेड मिली सेकेंड हम लोग इसको मिली सेकेंड में क्यों लेकर के आए क्योंकि यहां पर साफ साफ मेंशन किया है टीपी किसमें मेंशन किया हुआ है मिली सेकेंड में बात समझ में आ रहा है और इसीलिए हमने टीएफ को भी किसमें कैलकुलेट किया मिली सेकेंड में सिमिलरली क्योंकि इन सब टर्म्स को ऐड करना है तो सिमिलरली टी ऑफ ए के भी मिली में कैलकुलेट होगा क्या कैलकुलेट होगा तो टी ऑफ ए के इज इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट फ्रेम का साइज कितना दिया हुआ है

कितना हो जाएगा टू टीपी मतलब टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड ये पूरा किसमें है मिलीसेकंड में ये भी किसमें है मिलीसेकंड में मिलीसेकंड मिलीसेकंड कैंसिल मिली आउट तो हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड तो ये कितना आ जाएगा वन बाय फोर आएगा तो यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए तो ये कितना आएगा वन बाई फोर इन टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है एट्टी केबीपीएस ठीक है तो ये कितना हो जाएगा और

बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करने हम लोग क्या करते हैं एट से डिवाइड कर देते हैं तो इसको जैसे ही आप एट में एट से डिवाइड करोगे ये पूरा टर्म कैपिटल बी पी एस के फॉर्म में बी बी पी एस के फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा तो इसको एट से डिवाइड कर दीजिए ये बाइट पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना आएगा चलिए देखते हैं तो ये हो गया हमारा ट्वेंटी 10 टू डी पावर थ्री मतलब कि 1000 divided by 8, तो चार दुना आठ चार पचे बीस ठीक है ना और ये दो से हो जाएगा कितना पांच सौ बार तो ये आ जाएगा हमारा टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आएगा नहीं ये तो समझना पड़ेगा ना दिनेश भाई मेरे मैंने क्या बोला है क्वेश्चन को बारीकी से रीड करिए इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज ट्राई टू रीड इट वेरी यहां पर साफ साफ पूछा जा रहा है यू हैव टू गिव योर न्यूमरिक आंसर इन द फॉर्म ऑफ बाइट पर सेकेंड नॉट बिट पर सो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो क्वेश्चन को कंप्लीट रीड क्या करिए पेशेंस के साथ भले इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगे

फोर्थ टू टेन थर्टी या इलेवन तक रहेगी तो थोड़ा सा उस दिन अपन लंबा खेलेंगे और कल की क्लास अपनी वही सात से ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक रहेगी ठीक है भाई सो चलते हैं गुड नाइट मस्त रहिए मजे करिए राम राम दुआ सलाम बाय